अभी कुछ दिन पहले मोहन भागवत ने खुद ही स्टेटमेंट दिया था और कहा था कि मंदिर कब बनेगा, तो आपको क्या लगता है कि मंदिर कब बनेगा? देखिए, मंदिर निकट भविष्य में तो नहीं बनता, जी क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती कि मंदिर बने। ये तो अच्छा, सिर्फ कहने वाली बातें हैं, बीजेपी आरएसएस ये सिर्फ कहने वाली बातें हैं कि मंदिर बनना चाहिए और उसके लिए हमें ऑर्डिनेंस लाना चाहिए, सरकार को कानून बनाना चाहिए। बीजेपी खुद नहीं चाहती कि मंदिर बने, क्योंकि जिस दिन मंदिर बन गया उस दिन सारे मुद्दे मंदिर के खत्म। हिंदू मुस्लिम की लड़ाई फिर कैसे करवाएंगे, हिंदू मुस्लिम में वोटों को कैसे बांटेंगे? तो इस मुद्दे को वो बाकायदा जीवित रखना चाहते हैं, आरोप माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर लगा रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट पर लगा रहे हैं। यानी आपको लगता है कि 2019 से पहले इलेक्शन, तो उससे पहले ही राम मंदिर नहीं बनेगा? नहीं, उससे पहले तो बनने का मतलब ही नहीं है, उसके बाद भी कब बनेगा कोई नहीं जानता, क्योंकि बीजेपी जिंदा रखना चाहेगी जब तक भी हो सकेगा इस मुद्दे को। यही तो उनकी राजनीति का असली मुद्दा है इसलिए। और जहां तक मैं आपको एक बात कहूं कि गिरिराज किशोर ने भी कहा, और भी नेता बीजेपी के कह रहे हैं, और संघ प्रमुख ने भी कहा कि सरकार को कानून बना के जो है इस पे जो है मंदिर को बनाना चाहिए। देखिए, उन लोगों को जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, संविधान को पढ़ना चाहिए, संविधान की जानकारी उन्हें होनी चाहिए। मैं मानता हूं उन्हें संविधान की जानकारी है, इतने ना समझ वो नहीं है, लेकिन वो जबरदस्ती इस बात को जानबूझकर इग्नोर कर रहे हैं। और संविधान में बहुत स्पष्ट रूप से कहा है, अगर आप उसकी प्रियम्बल देखें, संविधान की प्रस्तावना देखें, तो बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, मतलब पंथ निरपेक्ष का मतलब हो गया कि सरकार का या देश का कोई भी धर्म नहीं है, तो केवल एक धर्म के लिए कानून कैसे बनाया जा सकता है, ऑर्डिनेंस कैसे ला सकती है? ये बात मोदी जी भी जानते हैं, ये बात सारे जो इनके सरकार है ये सब जानते हैं। अगर ये सब नहीं होता तो कब का कानून बना के कर लेते, लेकिन ये जानते हैं नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हल्ला मचा रहे हैं और देश को इस आग में हिंदू मुस्लिम के झोंकने का पूरा प्रयास ही कर रहे हैं। इसलिए गिरिराज किशोर कहते हैं कि हिंदुओं के सब्र का बांध कहीं टूट ना जाए। क्या हो जाएगा, भी टूट जाएगा तो क्या कर लोगे, क्या कर लोगे? आप सब ये समझते हो कि बाकी सारे लोग, सारी पब्लिक सिर्फ इस एक मुद्दे पर बैठी है, क्या उसके लिए रोजगार का कोई मुद्दा नहीं है? जो करोड़ों लोगों को रोजगार देने की बात मोदी सरकार ने कही थी, मोदी जी ने कही थी, वो पूरा हो गया? क्या लोगों को महंगाई से छुटकारा दिलाने की बात कही थी, वो पूरी हो गई? क्या पेट्रोल और डीजल के दाम जो मोदी जी अपनी मीटिंग में कहते थे कि कम हुए कि नहीं हुए, अब जरा कह के देखे कि कम हुए कि नहीं हुए? जो बात वो कहते थे कहां है वो? महिलाओं की सुरक्षा कहां है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ नारे रह गए, कहीं कुछ हुआ नहीं। रोज बलात्कार हो रहे हैं, महिलाओं की हत्या हो रही। अभी आपने कल देखा सरेआम 3 गोली मारकर एक सरकारी जो अध्यापिका है, उनकी जो बवाना की रहने वाली थी, उनकी हत्या कर दी गई। तो ये सारा सब कुछ चल रहा है, क्या 15 लाख रुपए जो है लोगों के खाते में आ गए हैं? क्या योगी जी ने कहा था सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई, हो गई क्या सड़कें गड्ढा मुक्त? ये जो सारी की सारी चीजें हैं ये कुछ भी नहीं है। बेसिकली सरकार का मुद्दा, सिर्फ सरकार की नीयत ये है कि जो असली मुद्दे हैं, जिन पर सरकार पूरी तरह से घिरी हुई है, जिनके विषय में सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, सरकार कोई कुछ भी बोल नहीं पा रही है, उन सारे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए फिर यही पुराना राग, हिंदू मुस्लिम का राग, वो अलाप रही है और कुछ नहीं। इसके अलावा कुछ नहीं, बस राम मंदिर। ये तभी आता है, भैया मुझे एक बात बता दो, आज की तारीख में केंद्र में सरकार तुम्हारी, 19-20 राज्यों में तुम्हारी और तुम्हारे जो सहयोगी हैं उनकी सरकार, उत्तर प्रदेश जहां अयोध्या है, जहां पे मंदिर बनना है, वहां पे तुम्हारी सरकार, और इतने भारी बहुमत से सरकार, 300 से भी ज्यादा सीटें हैं, है नहीं है? सब कुछ तो तुम्हारा है, राष्ट्रपति तुम्हारा, उपराष्ट्रपति तुम्हारा, फिर भी तुम मंदिर नहीं बना पा रहे। क्यों? क्योंकि तुम चाहते नहीं हो मंदिर बनाना। बीजेपी से मुद्दा रखना चाहती है, जिंदा रखना चाहती है कि ये मुद्दा रहे जिसके आधार पर लोगों को बांटा जा सके हिंदू मुस्लिम में और वोट लेकर सत्ता में आया जा सके, और कुछ नहीं।